साइकोलॉजी कहती है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक आकर्षक स्त्री या पुरुष अपने से कम आकर्षक पुरुष या स्त्री को जीवन साथी बनाना पसंद करते हैं। इसके पीछे उन्हें अपना प्रभुत्व कायम रखने की इच्छा छुपी होती है। कम आकर्षक पार्टनर अपने सुंदर पार्टनर के नखरे भी उठाते हैं। साइकोलॉजी कहती है, पुरुष लाल रंग के कपड़े पहने हुए किसी स्त्री की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं और नीले रंग के वस्त्र पहने पुरुष स्त्रियों को अधिक आकर्षित करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए आप देखने में अच्छे हैं या बुरे, इससे भी ज्यादा इस बात का फर्क पड़ता है कि आप खुद को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप खुद को पसंद करते हैं तो दूसरे भी आपको पसंद करेंगे, बशर्ते आपके अंदर इस बात की अकड़ नहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजी कहती है, एक स्टडी के अनुसार जिन पुरुषों को भूख ज्यादा लगती है उन्हें पतली दुबली लड़कियों के बजाय भरी भरी या अधिक वजन वाली लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। साइकोलॉजी कहती है, एक औरत जब अपने प्रेमी से फेस टू फेस बात करती है तो उन्हें प्यार आता है या प्यार मिलने की फीलिंग आती है। वहीं पुरुष अपने पार्टनर से ज्यादा इमोशनल जुड़ाव महसूस करते हैं जब वो साथ साथ काम करते हैं, कोई खेल खेलते हैं या अगल बगल बैठकर बातें करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, सनग्लासेस पहनने से व्यक्ति के चेहरे में समरूपता के साथ ही रहस्यमय लुक भी आ जाता है, अतः आप अधिक आकर्षक लगने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है, पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक मजेदार नहीं होते हैं। साइकोलॉजी कहती है, लगभग 90% लोग अपने पत्र या मैसेज में वे बातें लिखते हैं जो वे कह नहीं पाते। साइकोलॉजी कहती है, 18 से 33 वर्ष के बीच के लोग दुनिया के सबसे तनावग्रस्त व्यक्ति हैं। 33 वर्ष की आयु के बाद तनाव का स्तर कम हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है, हमारे दिलों को प्यार में होने की भावना से कोई लेना देना नहीं है, यह केवल मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया है। साइकोलॉजी कहती है, शराब पीने के बाद लोग ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं क्योंकि आप चेहरे की समरूपता बारीकियों पर गौर नहीं कर पाते। साइकोलॉजी कहती है, जिन महिलाओं के पुरुष मित्र सबसे ज्यादा होते हैं वे आमतौर पर ज्यादा अच्छे मूड में होती हैं। साइकोलॉजी कहती है, जब हम किसी प्रियजन का हाथ पकड़ते हैं तो हमें दर्द और चिंता कम होती है। साइकोलॉजी कहती है, ऐसे काम करना जो आपको डराते हैं आपको खुश करेंगे। साइकोलॉजी कहती है, जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं वे आमतौर पर सबसे अधिक समस्याओं वाले लोग होते हैं। साइकोलॉजी कहती है, यदि आप रात में विचारों का आना जाना रोक नहीं सकते हैं तो उठो और उन्हें लिखो, यह ट्रिक आपके दिमाग को आसानी से मुक्त कर देगी। साइकोलॉजी कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति के औसत व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त होते हैं।